हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं एमके फौजी और आप देख रहे हो ऑफलाइन फॉर्म 2024 यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में लेकर आ रहा हूं एक और शानदार और परमानेंट वैकेंसी। जी हां दोस्तों, आपने न्यूज़ तो सुनी ली होगी, बीएसएफ की ओर से एक और जबरदस्त नौकरी का ऑफर आ गया है। हेड कॉन्स्टेबल और एएसआई के पदों पर ये आपकी वैकेंसी की जाएगी। अगर आप भी बारी पास है और कमाना चाहते हैं 80,000 प्लस रुपए, और आपको दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट घर दिया जाएगा, खाना भी दिया जाएगा और अन्य उधर फैसिलिटी भी मिलने वाली है, तो दोस्तों आज ही ज्वाइन कीजिए इसको और जल्दी से नौकरी लग जाइए। साथ ही साथ एक और बढ़िया खुशखबरी ये भी है दोस्तों कि इसके अंतर्गत सबसे पहले आपका फिजिकल रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में आपका रिटन एग्जाम रहने वाला है। तो ये भी दोस्तों एक बढ़िया न्यूज रहने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको एमके फौजी की जो टिप्स है, यानी दोस्तों आपको क्या क्या ट्राई करना होगा जिससे आपका सिलेक्शन इजी वे में बन जाएगा और जल्दी से हो जाएगा, उसकी ट्रिक्स भी आपको मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। और दोस्तों ये ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो। साथ ही साथ दोस्तों आपको पेन और कॉपी भी साथ में रख लेना है, ताकि दोस्तों आपको जो मैं सेंटर बताऊंगा, यानी आपके जो नज़दीकी सेंटर वो ले लीजिएगा, ताकि आपको दोस्तों एग्ज़ाम देने के लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ना पड़े और आप अपने नज़दीकी सेंटर में ही एग्ज़ाम दे पाए। तो दोस्तों चलते हैं हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर, जहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक और न्यूज़ देना चाहता हूँ कि अगर आप और भी इजी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार विजिट कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों आपको एक से बढ़कर एक इजी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके इसके अंतर्गत आपको ए टू जेड पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। अगर फिर से भी हमारी जानकारी कोई मिस हो जाती है तो आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा दोस्तों उतना बड़ा इशू नहीं है कि हम दोस्तों आपको जवाब नहीं देंगे, प्रॉपर आपको दोस्तों जवाब देता हूँ, मैं आपको अपना फैमिली की तरह मानता हूँ। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। तो आ गए हैं हम दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर, जहाँ पे दोस्तों आपको पूरी जानकारियाँ मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात कर देता हूँ। तो दोस्तों इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, जिसके अंतर्गत दोस्तों 9 जून से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। साथ साथ दोस्तों इसकी लास्ट डेट की बात करूँ तो दोस्तों इसकी लास्ट डेट 8 जुलाई 2024 रात को 12 बजे तक रहने वाले हैं। तो दोस्तों आपको इस महीने के अंतर्गत फॉर्म फिलअप कर देना है, बढ़िया वैकेंसी रहने वाली है। इसकी आप दोस्तों ऑफिशियल साइट बता देता हूँ, वो आप नोट करके रखिएगा। तो दोस्तों RECET.BSF.GOVERNMENT.IN इसकी ऑफिशियल साइट रहने वाली है। आपके दोस्तों पदों की बात बता दूं तो इसमें बताया गया है कि डिटेल एडवर्टाइजमेंट नंबर आया गया है, किसका दोस्तों असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर कॉम्बैट स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के अंतर्गत ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है। तो चलते हैं दोस्तों, आपको सबसे पहले बताएंगे कि आपकी क्या क्या इसमें मांगी जाएगी। तो इसके अंतर्गत दोस्तों बताया गया है कि आपका दोस्तों जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो इंग्लिश और हिंदी दो ही लैंग्वेज के अंतर्गत कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपको दोस्तों इन दोनों लैंग्वेज को आना जरूरी है, अदरवाइज दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब एग्जाम ही नहीं दे पाओगे तो दोस्तों आपको करना क्या होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सैलरी की, जैसा मैंने बताया बढ़िया सैलरी इसके अंतर्गत मिलने वाली है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और स्टेनोग्राफर के लिए दोस्तों आपको पे लेवल 5 का दिया जाएगा, जिसमें 29,200 से 92,300 पेमेंट आपको मिलने वाला है। साथ ही बात करूँ हेड कॉन्स्टेबल के लिए, तो दोस्तों इसके लिए पे लेवल 4 यानी दोस्तों आपको 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक पेमेंट दिया जाएगा। साथ साथ दोस्तों इसके अंतर्गत बोला गया है पोस्ट विल कैरी जनरल पे स्केल, यानी आपको अलाउंस और दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम है उनके अनुसार आपको एक्स्ट्रा भत्ता भी मिलने वाला है। अभी बात कर लेते हैं हम दोस्तों वैकेंसीज की, कि कितनी कितनी वैकेंसी किस किस के अंतर्गत आई है। अगर आप दोस्तों असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोस्तों इसके अंतर्गत बीएसएफ के लिए टोटल वैकेंसी 17 आई है, सीआरपीएफ के अंतर्गत 21 वैकेंसी है, आईटीबीपी के अंतर्गत दोस्तों 56 वैकेंसी है मेल और फीमेल दोनों को मिला के, सीआईएसएफ के अंतर्गत दोस्तों 146 वैकेंसीज है, एसएसबी के अंतर्गत 3 वैकेंसी रहने वाली है। हेड कांस्टेबल की बात करूँ तो दोस्तों हेड कांस्टेबल के सबसे ज़्यादा पद रहने वाले हैं,
बीएसएफ के अंतर्गत 302 पद है, सीआरपीएफ के अंतर्गत 282 हैं, आईटीबीपी के अंतर्गत 163 है, सीआईएसएफ के अंतर्गत 496 है और एसएसबी के अंतर्गत 5 है और एआर के अंतर्गत आपके 35 पद रहने वाले हैं। ये वैकेंसी अगर चेंज कमेंट होती है तो आपको दोस्तों साइट पे बता दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 10% वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है, लेकिन अगर एक्स सर्विसमैन फॉर्म अप्लाई नहीं करते तो वो वैकेंसीज भी सिविलियन को ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये चीजें इसके अंतर्गत बताया गया है। रिजर्वेशन की बात करूं तो दोस्तों इसमें एससी एसटी और अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी के लिए इसमें रहने वाले हैं थोड़ा बहुत, तो वो भी आप जरूर बता दूंगा। एज लिमिट की बात की जाए तो दोस्तों आपकी मिनिमम एज, कम से कम एज 18 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा साल दोस्तों आपकी 25 साल होनी चाहिए। इसके अलावा आपको दोस्तों जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनको 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलने वाली है और दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट है उनको भी इसमें छूट मिलने वाली है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन को आपको पता है कि उनको भी छूट इसमें दी जाती है। आपका दोस्तों जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपका जो आपकी मार्कशीट है टेंथ की उससे काउंट आपका हो जाएगा, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत परेशानी लेने की जरूरत नहीं रहने वाली है। दोस्तों आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो छोटा मोटा दोस्तों आप हमारा भी सब्सक्राइब जरूर बढ़ा दीजिए और लाइक जरूर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए लेटेस्ट वैकेंसी हम लाते रहें। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। जैसा कि मैंने बताया 12वीं पास आपका होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड से, तो आप 12वीं पास है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा वो बता दूंगा। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे फिजिकल टेस्ट यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए और पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, उनको दोस्तों बुलाया जाएगा किसमें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। तो दोस्तों बढ़िया ये वैकेंसी रहने वाली क्योंकि इसमें सबसे पहले फिजिकल लिया जा रहा है, बाद में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में स्किल टेस्ट दोस्तों स्टेनोग्राफर करेगा, बाकी का उसके अंतर्गत कुछ नहीं लिया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपका सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बाद में आपका सिलेक्शन करवाया जाएगा। हाउ टू अप्लाई की बात की जाए तो दोस्तों आपको ऑनलाइन बता दी मैंने साइट, उस साइट के ऊपर जाके आप दोस्तों 8 जुलाई 2024 से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं। बात की जाए इसके एप्लीकेशन फीस की तो दोस्तों इसमें एप्लीकेशन फीस आपसे 100 रुपये ले जाएंगे। इसके अंतर्गत दोस्तों वुमेन कैंडिडेट और एससी एसटी कैंडिडेट को फीस पेमेंट के अंतर्गत छूट मिलने वाले हैं। ऑनलाइन फीस पेमेंट की डेट भी वही डेट रहने वाली है। बात कर लेता हूँ दोस्तों आपके सेंटर कहाँ कहाँ आने वाले हैं तो ये जरूर नोट कीजिएगा क्योंकि दोस्तों आपको नज़दीकी सेंटर चूज कर लेना है। तो कश्मीर में भी है, जम्मू है, पंजाब, उत्तराखंड, यानी दोस्तों हर स्टेट के अंतर्गत रहने वाले हैं। तो आप अपना स्टेट जरूर चेक कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जैसे अभी राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में जोधपुर और जयपुर 2 सेंटर रखे गए हैं, गुजरात में 2 सेंटर रखे गए, यूपी में 3 सेंटर रखे गए, ऐसे सेंटर बनाए गए हैं। हर एक स्टेट के अंतर्गत आपके ये सेंटर आपको मिल जाएंगे। इसके लिए अगर आपको दोस्तों ये नोटिफिकेशन भी चाहिए तो मैं आपको वो भी आपको भेज दूंगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप वो ले सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जैसा मैंने बता दिया कि आपका सिलेक्शन किस आधार पर रहने वाला है, सबसे पहले फिजिकल टेस्ट, उसके बाद में कंप्यूटर टेस्ट, उसके बाद में स्किल टेस्ट और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल एग्जाम लिया जाएगा। अभी बात कर लेते हैं कि आपके फिजिकल में आपसे क्या क्या मांगा जाएगा। तो दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए मेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है। वहीं सीने की बात की जाए तो दोस्तों 77 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए बिना फुलाए और फुलाकर होना चाहिए 82 सेंटीमीटर। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो कुमाऊं है, गढ़वाल है, मणिपुर है, मिजोरम है, उनके कैंडिडेट को इसमें छूट आसान दी गई है। इसके अलावा वेट आपके हाइट के अनुसार होना जरूरी है। बात की जाए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी के अंतर्गत क्या होगा, यानी आपकी दौड़ कितनी होगी, तो दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए यानी पुरुषों के लिए आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ेगी जो 6 मिनट में आपको कवर करनी पड़ेगी, यानी 6 मिनट 30 सेकंड दिया जाएगा। लेकिन आप प्रैक्टिस दोस्तों हमारी आपको टिप्स यही है कि कम से कम 6 मिनट से अंदर अंदर ही आपको कवर करना सीखना होगा ताकि आप वहां जाके थोड़ा और एफर्ट लगा के कम से कम 5.5 से ऊपर या 5:45 तक कवर कर लोगे तो आप एक्सलेंट में आ जाओगे। और फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो 800 मीटर की रेस आपको 4:45 में पूरी करनी होगी। उसके अलावा दोस्तों अगर आप जैसे ये फिजिकल स्टैंडिंग
क्लियर कर लोगे तो आप क्वालिफाई हो जाओगे एग्जाम देने के लिए। बात कर लेते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट एग्जाम का क्या, मैं दोस्तों एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा वो बता देता हूँ। तो एग्जाम के अंतर्गत आपका दोस्तों हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, आप दोनों में से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। अगर आपको हिंदी में देना है तो आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद में आपको जनरल इंटेलिजेंस के 20, उसके बाद में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 20 आएंगे, क्लरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल टाइमिंग की बात की जाए तो दोस्तों आपको 1 घंटा और 40 मिनट दिया जाएगा और इसमें 100 मार्क आपको रहने वाला है। तो क्वेश्चन मैंने बता दिया कि आपका हिंदी और इंग्लिश के अंतर्गत रहने वाला है। डेट आपको दोस्तों सेंटर की मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहे बने रहे, वहाँ पे आपको जैसे ही दोस्तों इसका एडमिट कार्ड आएगा तुरंत आपको बता दूंगा कि इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पूछा जाएगा। अभी दोस्तों आपको जो पेपर मैंने बताया था कि इंग्लिश में आएगा ये आएगा ये आएगा, तो इंग्लिश के अंतर्गत भी दोस्तों आपको क्या क्या पूछा जाएगा वो भी इसके अंतर्गत बता रखा है कि इंग्लिश के अंतर्गत एरर, ब्लैंक, सिनोनिम्स, होनेम्स, एंटोनेम्स, स्पेलिंग, डिक्टेशन, मिस स्प्लिट एदि क्वेश्चन, ये सारे पूछे जाएंगे। तो ये आप दोस्तों तैयार कर लीजिएगा। जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाएगा, क्लरिकल में दोस्तों क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर नॉलेज में क्या क्या पूछा जाएगा, सारी जानकारी आपको दी गई है। इसके अलावा दोस्तों जो कैंडिडेट अगर स्टेनोग्राफर वगैरह के फॉर्म भर रहे हैं तो उनके लिए अलग से दोस्तों थोड़ा मांगा गया है, उनकी स्किल टेस्ट भी थोड़ा सा हार्ड रहने वाला है। तो हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं दोस्तों हेड कॉन्स्टेबल के लिए। इसके अंतर्गत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करूँ कि आपका डॉक्यूमेंट कौन कौन सा जरूरी है, तो दोस्तों सारी जो फोटोकॉपीज आपको तैयार कर रहे हैं उनके ऊपर आपका सिग्नेचर होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों सेल्फ अगर आपने नहीं किया टेस्ट तो आपको मान्य वो नहीं होगा। उसके अलावा अगर आप दोस्तों कोई नौकरी कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपकी जो मेनली डॉक्यूमेंट है वो दोस्तों आपका आधार कार्ड होना चाहिए, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार कार्ड आपको लेके जाना है, वोटर आईडी कार्ड आपको होना चाहिए, पैन कार्ड, पासपोर्ट अगर आपके पास है तो वो चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट कॉलेज और स्कूल का आईडी कार्ड, एम्प्लॉयर आईडी कार्ड अगर आप दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट है, एनी अदर फोटो बियरिंग आईडी कार्ड इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इश्यू है वो, उसके अलावा अगर आप वो भी लेके जा सकते हैं। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन को तो दोस्तों पीपीओ बुक आपको लेके जाना है। आपकी दोस्तों बात की जाए मेडिकल एग्जाम के अंतर्गत तो दोस्तों आपको मेडिकल एग्जाम के अंतर्गत नॉर्मल आपका चेकअप किया जाएगा कि आपको दोस्तों अनफिट तो नहीं हो, अगर अनफिट उनको लगते हैं तो आपको वो दोस्तों बाहर का रास्ता दिखा देंगे। इसके अंतर्गत दोस्तों आप एकदम फिट फॉर होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि ये वैकेंसी फिट फॉर कैंडिडेट के लिए है। तो आर्मी के अंतर्गत दोस्तों जो रूल होता है मेडिकल का, सेम रूल इसमें भी फॉलो किया जाता है। टैटू के लिए भी दोस्तों इसमें नियम आपके लिए रखे जाएंगे, तो वो भी आपको जरूर इसमें ध्यान रखना होगा। इसके अलावा दोस्तों और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं अभी थोड़ा और बता देता हूँ कि आपके लिए क्या क्या और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको मैंने जो रिजर्वेशन की बात की थी वो तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दी है कि कितना रिजर्वेशन इसके अंतर्गत बताया जाएगा। बात की जाए कि ये परमानेंट है या नहीं है तो दोस्तों मैंने बता दिया कि ये परमानेंट आपकी वैकेंसी रहने वाली है, तो उसका टेंशन आप ना लीजिए, क्योंकि दोस्तों कई बार संविदा की वैकेंसी भी आती है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये आपकी परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है उनके लिए बताया गया है कि आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR स्टेप वन कर लेना है, उसके बाद में दोस्तों उसी साइट के ऊपर जो साइट मैंने बताई थी उसी साइट के ऊपर recruit.bsfgovernment.in उसके अंतर्गत आपको फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है और पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो आपको पेमेंट कर देना है। जो भी आपसे जानकारी मांगी जाती है वो जानकारी आपको भर देनी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। इसके अंतर्गत दोस्तों फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा कि इसके अंतर्गत आपको क्या क्या फिलअप करना है और क्या क्या नहीं करना, वो जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो बताएगा जरूर, आपका जो भी जवाब या शक सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं बिना किसी हिचक के। आपका दोस्तों हर क्वेश्चन का आंसर देने की मैं कोशिश